टेंडर्स महाराष्ट्र। आज की वीडियो में हम मोजिला फायरफॉक्स का इस्तेमाल करके लॉगिन करना सीखेंगे या लॉगिन करना देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि ये ब्राउजर को ओपन किया है मोजिला को, और मेरा जो ई टोकन है डीएससी का उसे भी मैंने इंसर्ट कर लिया है, और साथ ही साथ मैंने ये एक्सेल की फाइल ओपन की है जिसमें मेरा लॉगिन आईडी और पासवर्ड है। मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, इसे ड्रैग करके सिलेक्ट करता हूँ कंट्रोल सी। ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि इस तरीके से ही सिलेक्ट करना चाहिए। यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मैं क्लिक हियर टू लॉगिन बटन पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद कंट्रोल बी टैब की का इस्तेमाल करता हूँ मैं। तो ये यहाँ पर देखो मेरा कर्सर ब्लिंक होने लग जाता है। मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ, इसे सिलेक्ट करता हूँ कंट्रोल सी करता हूँ, और यहाँ पर कंट्रोल वी करता हूँ, उसके बाद डबल टैप का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पर आ जाता हूँ ये बॉक्स में, यहाँ पर टाइप करता हूँ मैं A X E N 2। इसे अच्छी तरीके से चेक कर लेना होता है 1, 2 और 3 तीनों चीजों को, उसके बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे लॉगिन बटन का आना बहुत जरूरी है। यहाँ पे 3 चीजें दी हुई है, अगर ये तीनों में से कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो ये लॉगिन बटन नहीं आता है। जैसे जावा ड्राइवर्स डीएससी और डीएससी का ई टोकन इंसर्ट करना। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद मेरा ई टोकन का जो पासवर्ड है पिन जो है वो 1 से 8 है, तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। ये लॉगिन बटन इनेबल हो जाता है, इस पे एक सिंगल क्लिक करेंगे। इस तरीके से देखिए हम आगे आप टेंडर भरने का काम कर सकते हैं। इसे लॉग आउट करके बाहर निकलना बहुत जरूरी है, अगर हम लॉग आउट करना भूल जाएंगे तो दोबारा जब हम लॉग इन करेंगे तो प्रॉब्लम आती है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करके लॉग आउट कर लेता हूँ।